हेलो, हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? और हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा होगा, और बहुत टाइम बाद हमारी ये वीडियो आई है। आज हम कुछ अपने इस वीडियो में कुछ डिफरेंट करेंगे, और आज मैं आपको अपने किचन में ले चलती हूँ, जो कि थोड़ा सा हटके है आर्ट एंड क्राफ्ट से। और इसकी भी वीडियोस हम डालते रहेंगे, और इसकी जो किचन से रिलेटेड है, जो मैं अपने किचन में बनाती हूँ, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और आई होप आप लोग इसी तरह से प्यार अपना बनाए रखें और बनाए रहेंगे। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जल्दी से चलते हैं और एक अच्छी सी गर्मी में ठंडक देने वाली एक ड्रिंक देखते हैं कि मैं कैसे इसको बनाती हूँ, और आप लोग प्लीज़ उसको ट्राई करें। ओके, तो जल्दी से चलते हैं, लेट्स गो। हे हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल फाइन। सो आज हम एक नए रेसिपी के साथ आए हैं। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। और ये हमारा नया अटेम्प्ट है, और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे इसमें। तो जल्दी से, बिना कुछ देरी किए हुए, हम जल्दी से अपनी ये वीडियो शुरू करते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, और मेरी और भी वीडियोस इसमें पड़ी हैं आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, आप उसको भी देख के इंजॉय कर सकते हैं। और जल्दी से, जो नए व्यूवर्स हैं हमारे, वो जल्दी से चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे और एक ग्लास उसमें हम पानी डाल देंगे। ये हमने इसमें पानी डाल दिया। अब इस पानी में हमें ऐड करना है शुगर, तो हम इसमें 3/4 टेबल स्पून हम चीनी ऐड कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमने इसमें चीनी डाली, अब हम इसको मिलाएंगे। आप इस तरह से मिला लेंगे अच्छे से। ये हमने चीनी मिला दी है, और गर्मी तो बहुत हो रही है, तो आप ये ड्रिंक एंजॉय कर सकते हैं फ्रेंड्स घर पे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आप हमने इसमें पानी और शुगर को ऐड करके मिला लिया था, और ये हमारा लगभग ऑलमोस्ट मिल गया है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे नींबू, लेमन थोड़ा सा। यस, ये हमने इसमें नींबू ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं लेमन के बाद रू अफ़ज़ा, सभी के यहाँ होगा, और उसको भी हल्का सा ऐड कर देंगे तो काफी अच्छा टेस्ट आने वाला है इसका। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं रू अफ़ज़ा का सिरप, ये देखिए। अब हम इन तीनों को देखिए, हम इसमें मिला देंगे। ये हमने मिला दिया, ये देखिए कितना अच्छा फ्लेवर आ रहा है। ना, और इसको आप जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स, और पीने में बहुत टेस्टी लगने वाली है। और इसको अब हम ठंडे पानी तो यूज़ करेंगे ही, आप इसमें बहुत ज़्यादा चिल्ड चाहते हैं तो इसमें आप बर्फ़ भी डाल सकते हैं, और इसको आप ऐसे भी जमा भी सकते हैं कप में करके, आइसक्रीम स्टिक डाल के। अब हम इसको करने वाले हैं सर, इसको छान लेंगे, क्योंकि बिकॉज़ इसके जो रेशे लेमन के हैं इसके ऊपर आ गए हैं, आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे। तो अब हम इसे छान लेंगे एक जगह पे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा रेडी हो चुका है, और अब हम इसको सर्व करेंगे ग्लास में। ये हमारे पास एक शीशे का ग्लास है, और अब हम इसे इसमें डाल देंगे। इसमें हम अब हम इसमें, और ये देख सकते हैं हमारी ड्रिंक रेडी हो गई है। ये आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना? और इसमें आप आइस के टुकड़े और ये पुदीने का भी डाल सकते हैं डेकोरेशन के लिए, और हमने इसमें लेमन भी लगा दिया है।
और इसको आप ज़रूर ट्राई करिए अपने घर पर, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये ड्रिंक आपको कैसी लगी इन गर्मियों। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें शेयर करें। हम अपनी नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।